तो अभी देखते हैं साइड से बोटिंग भी करेंगे। तो गाइस फाइनली सोकर उठ चुके हैं, तो रात को लेट गए थे यहाँ पे, तो लगभग हमें 9 बज गए थे, क्योंकि गाइस गंगानगर से सीधा यहाँ पर आई थी तो बाइक से तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो रात को आते ही यहाँ पे रूम वगैरह ले लिया और खाना खा के सीधे सो गए और कुछ भी अपडेट नहीं दिया। तो गाइस अभी अब उठे हैं, तो अभी नाश्ते रेडी होकर फिर बाबा जी का धूप लगाने जाएंगे और फिर गाइस देखते हैं कोकण जाएंगे, कोकण से वीडियो शूट करके फिर जैसलमेर का टूर है। तो आगे अपडेट देता रहूँगा, आगे वीडियो को देखते रहना। तो अभी नाकर रेडी होते हैं, वो फिर मिलता हूँ आपसे, तो ठीक है भाई। तो गाइस नाकर रेडी हो चुके हैं, तो साथ में सीरम वगैरह नहीं लेके आए थे सिर पे लगाने के लिए, तो अभी बाजार चलते हैं रास्ते सोप वगैरह से लेके लगा कर और फिर सीधे मंदिर में चलेंगे और मार्केट वगैरह बनी वो भी दिखाएंगे आपको और बाबा रामदेव जी के दर्शन करेंगे वो भी दिखाएंगे। जब मेले का टाइम होता है, जब लोग ज़्यादा आते हैं उस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी लाइनें होती है। अभी तो शायद लोग कम ही होंगे, तो जल्दी धूप लग जाएगी, तो अभी चलते हैं और धूप लगाते हैं, आपको भी दिखाते हैं, हम भी दर्शन करेंगे आपको भी दिखाएंगे, तो चलो चलते हैं अभी। तो गाइस फाइनली धर्मशाला के बाहर आ चुके हैं, तो अभी जा रहे हैं मंदिर के पास, क्योंकि हमने जब धर्मशाला ली थी तो लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है मंदिर, तो मंदिर चलते हैं अभी क्योंकि नज़दीक है, पास में ही है, तो हमारी धर्मशाला तो पीछे रह गई है, हम जा रहे हैं आगे आगे। गाइस देखो सामने भक्त जा रहे हैं ये ध्वजा वगैरह लेकर, गाड़ियाँ वगैरह आनी स्टार्ट हो गई है सुबह सुबह, क्योंकि सुबह सुबह लोग ज़्यादा धूप लगाते हैं, तो शॉप वगैरह भी स्टार्ट हो गई है। तुम जय हो, देख सकते हो गाइस कितनी ज़्यादा मान्यता है यहाँ पे, और होटल्स वगैरह बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, और हम धर्मशाला में रुके थे तो उस धर्मशाला का फुल वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, तो आप देख लेना, आप भी वहाँ सस्ते में रुक सकते हो, हम भी रुके थे वैसे। तो गाइस आगे कुछ खरीदने के लिए मार्केट खुल चुकी है, ये देखो झूमर्स वगैरह लटका रखे हैं यहाँ पे, फोटो वगैरह क्लिक करवा सकते हो, और अभी मंदिर के बिल्कुल ही पास आ गए हैं, लगभग 150 मीटर है, तो अभी लाइन में लगेंगे सीधे, तो इस तरफ है मंदिर, देख सकते हो कितने श्रद्धालु आके खड़े हैं। तो गाइस यहाँ पे लगभग सुबह सुबह प्रसाद लेने के लिए लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब हमसे प्रसाद ले लो, हमसे प्रसाद ले लो, तो जैसे हम पास में जाकर लेंगे। मेले के टाइम तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, अभी तो भीड़ बहुत कम है। देख सकते हो गाइस कितनी भीड़ है, सुबह सुबह इतनी भीड़ है। गाइस सभी लाइनों में आ चुके हैं, तो अभी चलते हैं मंदिर आगे, जकारे लगने भी स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पे। ये देखो मंदिर आ चुका है, ये देखो बहुत सारी लाइनें हैं।
तब मेला लगता है तो उनमें लाइनों में मतलब बहुत बंदे आते नहीं है, फुल बहुत ज़्यादा क्राउड होता है यहाँ पे जब मेला होता है उस टाइम। मतलब इनमें से एक अनोखी लाइन है जो मतलब मंदिर के आगे से निकलती है, कुछ दूर से निकल जाती है, कुछ पीछे से निकल जाती है, ऐसे ही है। और वो एक ऐसी लाइन आगे से निकलती है हमेशा। गाइस अभी देख सकते हो पतली सी लाइन के अंदर है हम, ऊपर से बंद है, साइड के अंदर से निकल रहे हैं बीच बीच में, मतलब थोड़ा सा स्पेस है। गाइस पंखे देखो कितने बड़े बड़े हैं यहाँ पे, ये देखो मतलब इतने यात्रियों को हवा देने के लिए बड़े बड़े पंखे लगा रखे हैं, दो है बड़े बड़े पंखे। देखो मंदिर आ गए यहाँ पे, इतनी पतली लाइन से जा रही हैं। वो रही बाबा रामदेव जी की मूर्ति, इधर घोड़ा देखो कितना बड़ा है। हमें वहां से नहीं जाने दिया, इधर से आ गए हम। पुलिस वाले हैं वैसे, हमें रोक रहे हैं वो। वैसे मुझे सामने लिख रखा है कृपया समाधि का वीडियो नाम नहीं। गाइस फाइनली दर्शन करके आ चुके हैं, और अभी जो पीछे लेक बनी हुई है उस लेक पर हैं। लेक में बोटिंग वगैरह हो रही है, बोटिंग वगैरह चालू हो चुकी है, बोटें चल रही है लेक के अंदर। और इधर भी बोट का किराया लगभग 200 रुपये है, तो आप यहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हो। ये कुछ सीन है यहाँ का, ये देखो ये सीन है। तो अभी देखते हैं साइड से बोटिंग भी करेंगे, चलो चलते हैं थोड़ी आगे। ये देखो गाइस बोट, मोटर बोट्स हैं यहाँ पे सारी। एक ये देखो ये जा रही है यहाँ से। ये देखो गाइस पांच पैर वाली गाय, ये इधर मंदिर है इधर जेल के पास में ही। पांच पैर है इसके। ये थोड़ी बड़ी मोटर बोट है। तो गाइस फाइनली बाबा रामदेव जी के दर्शन कर आ चुके हैं। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और एक तरह से कमेंट कर लेना। तो अभी हम जा रहे हैं अपनी धर्मशाला की ओर, तो धर्मशाला से अपना बैग बेचकर पैकिंग करेंगे और चलेंगे आगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में जय बाबे की जरूर लिख देना।